पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने आज सोलन में मिनी सचिवालय के बाहर न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के बड़े बड़े स्तब्धवाद तो दिखाए, लेकिन सत्ता में आते ही वे वायदे भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों की पेंशन न के बराबर हो जाएगी। कर्मचारी अपना पूरा जीवन प्रदेश की सेवा में लगा देते हैं, लेकिन जब वह सेवानिवृत्त होगा तो प्रदेश सरकार उससे ये कहकर किनारा कर रही है कि उनके पास फंड नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रदेश में सरकारें रही, लेकिन किसी ने भी कर्मचारियों के विरोध में ऐसा फैसला नहीं लिया है। यहाँ तक कि सरकार टैक्स में भी कोई कमी नहीं कर रही, बल्कि टैक्स निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं, तो पेंशन में कमी क्यों की जा रही है। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने भाजपा पर न्यू पेंशन स्कीम को लेकर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था सत्ता में आते ही एक कमेटी बनाई जाएगी जो पेंशनों की मांगों को सरकार तक पहुंचाएगी, लेकिन आज दिन तक ये कमेटी नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ये कानून बनाया और प्रदेश में कांग्रेस ने ये गंदा कानून लागू किया जो बेहद शर्मनाक है। और मेरा कर्मचारी भाई, एनपीएस का कर्मचारी भाई, लगभग 1,00,000 से ज्यादा जनसंख्या, आपने जिनको एक काला कानून बना करके रिटायरमेंट के बाद रोटी और रोजी से महरूम कर दिया है, और जिनके लिए आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये लाइन लिखी है कि सरकार बनते ही हम कमेटी का गठन करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। अच्छा होता ये कमेटी सरकार बनाती तो उनके लिए बनाती, 1,00,000 लोगों के लिए कमेटी का गठन करते हुए जयराम जी आपको 3 साल हो गए हैं, आपको हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का समय मिले तो आप कमेटियों की सोचो भी, आप तो चक्रवर्ती सम्राट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सेम 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 कहते हैं, मैं तो एक कारपेंटर का बेटा हूं, मैंने गरीबी बड़ी करीबी से देखी है, लेकिन जयराम जी आप भूल गए, आप कारपेंटर के बेटे थे, आपका शरीर तो कारपेंटर का बना होगा, लेकिन कि आपकी आत्मा में चक्रवर्ती सम्राट की आत्मा आ गई हुई है। 2003 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया भारत सरकार का कि 2003 के बाद अर्थात 1 जनवरी 2004 से देश के अंदर जो जो भी कर्मचारी भर्ती होंगे उनको पुरानी पेंशन स्कीम नहीं दी जाएगी। आपने नई पेंशन स्कीम लागू किया, और कैसे लागू किया, आपने अपना पल्ला छुड़ाया भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी, और आपने ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम चलाई, और इसका पैसा कर्मचारी कहां जा देते हैं, 5 प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज के खाते में जा रहा है। ऐसा गंदा कानून तो अंग्रेज ने भी कभी लागू नहीं किया है, आपने ये कानून हिंदुस्तान की धरती पर लागू कर दिया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, सेंटर में बीजेपी की सरकार बनाती है वो, और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार राजा वीरभद्र सिंह वो एक कदम आगे जाते हैं। 2003 की नोटिफिकेशन होती है 2004 पहली जनवरी से लागू करने के लिए, और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर देती है 2003 के 15 मई से।